नमस्कार। 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 लोकायन संस्थान के सहयोग से बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल 15 जनवरी 2020 से लगभग 15 दिवस तक चलने वाले इस ऑनलाइन सांस्कृतिक महोत्सव के संस्करण में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कोविड पेंडेमिक और इस महामारी की वजह से हम सब लोगों को अपने घरों में जकड़ने को मजबूर कर दिया है। इस सोशल क्वारंटाइन की अवस्था के रोकने के लिए ही हमारे आयोजकों, जिसके अंदर श्री गोपाल सिंह जी चौहान प्रमुख सूत्रधार हैं, उनके द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित, सांस्कृतिक कल्चर आयोजित किया जा रहा है, इससे हमारी बौद्धिक चेतना की निरंतरता को बनाए रखने के अंदर एक सहायता मिलेगी। कोविड की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो कि जैसे कि आर्टिस्ट, साहित्यकार, फोकलोरिस्ट, इन सबके जीविकोपार्जन पर एक संकट उत्पन्न हो गया था। चूंकि इन सब में निरंतरता बहुत जरूरी है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो हो परंतु सोशल क्वारंटाइन ना हो, इसीलिए ही ऐसे आयोजनों का हमें उनका प्रारंभ किया जा रहा है। मित्रों, मैं इसके लिए विशेष रूप से गोपाल सिंह जी चौहान का धन्यवाद देना चाहूंगा। कारण ये कि गोपाल जी किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान के अंदर तो जरूर नहीं पढ़े हैं, परंतु अपने सांस्कृतिक सफल आयोजनों की वजह से स्वयं एक संस्थान जरूर बन गए हैं। बहरहाल, अपने मुख्य टॉपिक की तरफ आते हुए आज की चर्चा का विषय है हमारा वाटर विजडम इन राजस्थान। अपने टॉपिक को बताने के लिए मित्रों, ये बहुत जानना जरूरी है कि आज के टाइम में इस गंभीर चित्र पे टॉपिक पर चिंतन की क्या आवश्यकता थी। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कहा गया कि 2025 तक देश की 40% या विश्व की 40% जनसंख्या ऐसे भागों पर निवास करेगी जहां नियमित रूप से जल संकट दो चार उनको होना पड़ेगा या रहेगा। और ये चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वाटर हैव टुक मोर लाइव्स थ्रू इज डिजीजेस देन एनी वॉर थ्रू द गन्स। और भारत के लिए ये कहा जाए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि भारत वो देश है विच हैव 4% ऑफ इट्स फ्रेश वाटर एंड 16% ऑफ इट्स ग्लोबल पॉपुलेशन। ऐसी परिस्थिति के अंदर वाटर जैसे विषय के ऊपर गंभीर चर्चा होनी बहुत ही आवश्यक है। परंतु ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि क्या कारण राजस्थान, अगर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की दृष्टि से और ज्योग्राफिकल नजरिए से देखा जाए तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही एडवर्स क्लाइमेटिकल जोन में आता है। 60% थार मरुस्थल इस राजस्थान का हिस्सा है। और आपको आश्चर्य होगा, जहां पूरे भारत में 110 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, राजस्थान में सिर्फ 60 मिलीमीटर, और जैसलमेर के अंदर तो ये 15 से 25% ही रह जाता है या 25 मिलीमीटर ही रह जाता है। परंतु और ऐसे में जब पानी बहुत ही गहरा मिले और सलाइन यानी कि नमकीन मिले तो पानी पर चर्चा करना कितना आवश्यक है। परंतु इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी राजस्थान के निवासियों ने जिस तरीके से पानी के संग्रहण, संचयन और उपयोग की व्यवस्था निकाली है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। राजस्थान के अंदर पानी एक भौतिक संपदा नहीं है। राजस्थान के बारे में कहावत प्रचलित है कि वाटर शेप द कल्चर एंड कल्चर शेप्स द वाटर। और इसी वजह से ही थार मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, शताब्दियों से अपने साहित्य, अपने व्यापार और अपनी कला से एक अपनी अनूठी पहचान छोड़ता है। तो इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए वी हैव अ वेरी फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग पैनल विद अस। मैं अपने पैनलिस्ट का दर्शकों के सामने रूबरू गुफ्तगू करवाना चाहता हूं। हमारे सबसे प्रमुख और पैनलिस्ट है, मैं उनके बारे में ये कहूं कि उनके नाम से ज्यादा उनका काम जाना जाता है। पेशे से तो देखा जाए वो हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज के अंदर, और लगभग 12 पुस्तकें, दर्जनों शोध आर्टिकल और न जाने कितने ही लेख उन्होंने अखबार में उनके प्रकाशित हो सकेंगे। लेकिन अपने बीकानेर पर जल के काम, जिसको कि उन्होंने जल और समाज पुस्तक के द्वारा रचा है, ये अपने काम के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, डॉक्टर बृजरतन जोशी। डॉक्टर बृजरतन जोशी के बारे में आए भारत के मशहूर जलवेत्ता स्वर्गीय अनुपम मिश्र जी ने कहा था कि डॉक्टर बृजरतन जी का ये काम एक बीज की तरह सुरक्षित रखने लायक है। मैं इससे ज्यादा और उनके बारे में क्या कहूं, उनके पास उनके अनुभव को बताने के लिए आज हमारे पास चर्चा में वो शामिल हुई है। मैं एक बार पुनः पुनः स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर बृजरतन जी जोशी का। नमस्कार सर। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, शी इज दी यंगेस्ट चेंज मेकर ऑफ इंडिया,
and she works very expeditionally on the water scarcity, water security of Rajasthan, and through a deep research, she went through the surveys, through the folk art, folk cultures, anecdotes, to think it about the water region of the Barmer, Jaisalmer, Ajmer, Jodhpur. I welcome Krishna Shekhawat. Krishna ji is actually from history disciple student from Miranda House University of Delhi. And she is a museum fellow from American Institute of Indian Studies, Gurgaon. Recently, she became a member of the Association of Museum Art Convolutor. Krishna ji ka jo kaam hai, wo Rajasthan ke Marwar jagah par hai. Aur haal hi mein unka ek bahut achha article, The Transforming Scarcity to Success, abhi Delhi se publish hua hai. Well, धन्यवाद कृष्णा जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के पैनल में. हमारे अंतिम पैनलिस्ट शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है. अपने आप में यूनिक तरीके से काम करने के लिए जाने जाने वाले नीरज जी, इनके बारे में क्या कहूँ, शायद शब्द कम पड़ जाए मेरे पास. परंतु एक चीज ये कहूंगा कि अपने वंश के, अपनी फैमिली के ये 17वें जियोलॉजिकली नंबर पे आते हैं. एक नागौर जिले से रहने वाले नीरज जी शायद पहले अपने वंश में होंगे जो कि अमेरिका में रिसर्च एनालिस्ट का पोस्ट छोड़कर राजस्थान में आकर जल चेतना जगाने के कार्य में संलग्न है. इनके द्वारा रेन वाटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इनोवेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नियमित रूप से अपने इंडस्ट्रियल, स्कूल और गवर्नमेंट को लगातार अपनी सलाह, अपने अनुभव से नवाजती है. नीरज जी की अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाए तो शायद सबसे कहें कि बहुत ही यूनिक है. वो फ्लेचर स्कूल्स के अंदर एनवायरमेंट स्टडीज और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर्स हैं. और नीरज जी के द्वारा बहुत ही यूनिक तरीके से हेरिटेज वाटर वॉक्स जो कि जयपुर में विशेष रूप से आयोजित की जाती हैं और जिसके अंदर लगभग वो 2000 से 3000 अभी तक पर्यटकों के अंदर अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से एक जल चेतना जगाने का बहुत ही कारगर उपयोग कर रहे हैं. तो नीरज जी, इस समय का अभाव है, वरना आप जैसे बुनियादी काम करने वालों के लिए हमारी इच्छा है कि हम बहुत ज्यादा और भी बताएं, पर वक्त इजाजत नहीं देता है. मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा. हम अपना टॉपिक, अपना जो पैनल डिस्कशन है उसका प्रारंभ करना चाहेंगे. मैं सबसे पहले, हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर बृजतन जी जोशी से कहना चाहूंगा. सर डॉक्टर बृजतन जी जोशी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में है, तो इसके दर्शक कहाँ हो, कितने हो, हम खुद नहीं जानते. लेकिन एक सामान्य प्रश्न, चूंकि आपका काम बीकानेर के जल स्रोतों पर है, तो एक हमारे राजस्थान से बाहर रहने वाले दर्शक जनरली मुझसे पूछते हैं या बातचीत में पता लगता है कि आपसे ये जानना चाहेंगे वो कि बीकानेर के अंदर जल स्रोतों के रूप में तालाब और तलाई किसे कहते हैं, उनके बीच में क्या फर्क होता है, थोड़ा जल स्रोतों के बारे में जान. देखिए नितिन जी, आपने प्रश्न पूछा उसकी परिधि बीकानेर तक सीमित नहीं है. तालाब और तलाई अखिल भारतीय स्तर पर पाए जाते हैं. मूलतः इनमें तकनीकी रूप से भेद है. तालाब आकार में एक बड़ी संरचना होती है, तलाई छोटी होती है. तालाब का तला पक्का होता है, तलाई का तला कच्चा होता है. इसकी पाल की ऊंचाई, तालाब की पाल की ऊंचाई अधिक होती है, तलाई की ऊंचाई, पाल की ऊंचाई जरा कम होती है. तलाई पे घाट पक्के और बंधे हुए हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तलाई अधिकांशतः नौसिखिए तैराकों के लिए और जल पीने वाले पशुओं और मनुष्यों दोनों के लिए काम आता था. तालाब बहुआयामी, बहुउद्देशी, जो न केवल मनोरंजन, धार्मिक कार्यों, दैनंदिन कार्यों, इन सब से जुड़े हुई चीज में आता था. तो ये मुख्यतः एक अंतर है जो तकनीकी रूप से भी है, सामाजिक अपनी जो हमारी संरचना है उसमें भी उसका एक खास स्थान है, उस दृष्टि से भी है. अच्छा, तलाई के लिए क्षेत्रफल कम चाहिए, जगह कम चाहिए, तो आपको उसमें आपका कोई निर्माण कौशल, आपका कोई अभियांत्रिकी कौशल, वास्तु कौशल, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक कच्ची संरचना है उस अर्थ में. लेकिन मौके पर ये भी देखा गया है कि कई तलाइयां भी बहुत शानदार आर्किटेक्चर्स में, मतलब वास्तु से डिजाइन की गई है, उसकी संरचना बड़ी अच्छी है. लेकिन ये लोक मान्यता, ये जो जनरली देखी जाती है और जो जनरली व्यवहार में जो पाया जाता है वो ये. तो ये इसको आप ऐसे कहते हैं, तालाब और तलाई दोनों में मूलतः भेद है. इसको जनरली जो एक माना गया, मेरे से पहले जो अध्ययन हुए उनमें कई लोगों ने उनको एक मान लिया, तो मैंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तालाब और तलाई अपनी संरचना, अपनी होने की विधि और
उसके एक प्रयोग, इन तीनों ही स्तर पर वे भिन्न भिन्न इसके हैं, आयाम हैं, और उन आयामों के आधार पर ही हमें उनको समझना चाहिए, उन्हें एक मानकर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो एक मानना जरा मतलब क्या है कि एक वाटर बॉडी के साथ अन्याय होगा, एक जल संरचना के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो सभी संरचनाओं का समाज में अपना महत्व था। अब देखिए, कोई छोटा शहर बसा है, अगर उसकी आबादी बहुत थोड़ी है और वहां कोई बहुत बड़ा तालाब संभव नहीं है, तो ये कैसे संभव है कि वहां उस तालाब की पूर्ति वो तलाई कर रही है? तो तालाब ही उनके लिए एक तरह से, जो तो को सागर भला जाकी प्यास बुझाए, हमारे लिए तो सागर मटकी है, हमारा प्यास समुद्र थोड़ी बुझाता है, हमारी प्यास मटकी बुझा रही है, हमारे तो मटकी से बड़ा कोई समंदर नहीं है। तो तलाई भी अपनी स्ट्रक्चर में उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही उसकी उपयोगिता है। हाँ, तकनीकी रूप से इन दोनों में शब्दों में भेद है, तो ये केवल राजस्थान या बीकानेर तक का नहीं है, ये अखिल भारतीय स्तर पर का भेद है, और उसे उसी रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। जरूर जरूर, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया डॉक्टर ब्रिजेंद्र जी जोशी। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृष्णा शेखावत, आवर यंगेस्ट स्पीकर, मैं उनसे जानना चाहूंगा। कृष्णा जी, आपका मूलतः रिसर्च वर्क और जो काम है, शोध और जुड़ाव मारवाड़ क्षेत्र से रहा है, और मारवाड़ जैसे निर्जल जल प्रदेश की प्रक्रिया जो कि राव जोधा से लेके और महाराजा गस्सन तक चलायमान थी, इस चीज को निर्धारित करते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुओं की एक जल स्रोत के रूप में क्या भूमिका और क्या उपयोगिता थी। कृष्णा जी, मारवाड़ माई सागरिया बीरा घना चावा है, एनारो स्रोत भूमिगत पानी अर्थात सागर बिया करे। दीज वेल्स आर मोस्टली 400 टू 500 फीट डीप, इनाने बेरा और छोटा कुआ ने बेरी कहवे है। डिफरेंट वेल्स को टैप इनटू डिफरेंट वाटर टेबल्स, फॉर एग्जांपल जेता बेरा इन जोधपुर ओल्ड वॉल्ड सिटी हैज हिस्टोरिकली हैड मिराक्युलस हीलिंग पावर्स, सो मच so that this water is only used to aid the healing. In fact, Marwar literally means the land of death. Here, rainwater is harvested and stored in lakes, which are then used to recharge the groundwater and replenish the wells. Traditionally, wells were state-sanctioned and community-owned. Why? To ensure public welfare. Today, the rich farmer can dig the deepest tube well and exhaust the water table of an entire region. Now, this is where the problem lies. We need to understand that water is essentially a public resource in India, but paradoxically privately owned. That's the difference between past and present practices and the root of crisis today. जरूर जरूर, बहुत अच्छा बताया। मैं अपनी इसी चर्चा के अंदर स्रोतों से ना निकलते हुए नीरज जी का एक प्रश्न जरूर, हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं नीरज जी, कि बीकानेर या ये कहें कि पूरे राजस्थान को मरुस्थल यानी मरुभूमि कहा जाता है, जैसा मैंने बताया रेनफॉल बहुत कम है, डीप वाटर सलाइन वाटर है, इसके बावजूद भी हमें जानने को प्राप्त हुआ कि आपके द्वारा इसको वाटर सिविलाइजेशन नाम दिया गया। तो ये ऑक्सीमरन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और एंटाइसिंग है। मैं जानना चाहूंगा नीरज जी आपसे कि वाटर सिविलाइजेशन कहने के पीछे, राजस्थान के पीछे क्या कारण है। नीरज जी, मतलब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता ये कहने में कि राजस्थान पानी की संस्कृति है, वो इसलिए भी है कि मतलब बिना पानी के कोई बस नहीं सकता है, और राजस्थान आप पहले भी कह चुके हैं कि सबसे बड़ी घनत्व आबादी वाला मरुस्थल है दुनिया में, तो वो एक ही कारण से हो सकता है कि पानी का संचयन और संयोजन दोनों से होता है, और इसी से पूरी सिविलाइजेशन फैली है। तो वाटर सिविलाइजेशन क्या होती है? जो पानी पे निर्भर सिविलाइजेशन होती है, तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे जो ट्रेडिशन है, सब में कहीं ना कहीं पानी झलकता है, तो ये वाटर सिविलाइजेशन का ही प्रारूप हो सकता है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया कि हमारे खान पान, रहन सहन, संचयन के अंदर वाटर सिविलाइजेशन का कारण बन सकती है। मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर ब्रिजेंद्र जी जोशी से है, संचयन की प्रक्रिया के अंतर्गत, संग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये जानने में आया है कि सामाजिक अवसरों पर समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा कुछ श्रमदान की प्रक्रिया की जाती थी ताकि जल स्रोतों का संग्रहण किया जा सके या निर्माण किया जा सके। आप उनके योगदान के बारे में किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र जी जोशी? देखिए, राजस्थान एक पानीदार समाज का धनी एक प्रदेश रहा है। अनुपम मित्र कहा करते थे कि पानी के मामले में राजस्थान की कुंडली मंगलिक है, यानी कि यहाँ पानी कम बरसता है, और वाकई आप अगर डाटाबेस तैयार करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे कम पानी हमारे हिस्से में आता है। लेकिन क्या बड़ी मजे की बात है कि आज तक मैंने कई मंचों से ये कहा है और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात हुई तब कहा है कि
कि हमारे यहाँ, और नितिन जी तो शोधार्थी रहे हैं और इनसे मेरी कई बार ये बात हुई है, कि सामान्य जाति समुदायों के आंतरिक कलहों और ईर्ष्या द्वेष रागों को छोड़कर पानी के लिए राजस्थान में कभी कोई लड़ाई नहीं, जबकि विकास हमने इतना कर लिया, अभी घर घर और घर के कमरे कमरे में हमने पानी पहुंचा दिया, बावजूद पानी के लिए लोग सड़क पर आते हैं, लड़ाइयां होती है। और तो आप देखिए कि खाजुवाला, घड़साना, टोंक, सोहेला, राजस्थान में अब इतने कांड हो गए हैं कि पानी के कांडों की एक लिस्ट बनाई जाए तो उसका एक अध्ययन मुनासिब बनता है एक तरह से। तो क्या कारण था कि इतना कम पानी था? तो एक तर्क तो आपको सामने दिखता है कि साहब उस समय जनसंख्या घनत्व तो नहीं था, लोग इतने पीने वाले नहीं थे, लेकिन लोग तो थे, पशु थे, फिर क्या चीज थी कि वो पानी की कमी उस समाज को कभी महसूस नहीं? वो थी उस समाज की जल दृष्टि। हर समाज के पास अपना एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है और एक अपनी मूल्य चेतना होती है। जो समाज अपनी दृष्टि और मूल्य चेतना को खो देता है वो अपने सारे संस्कारों को, जो पारंपरिक प्रज्ञा ने उसे दिए हैं, उनको भी खो देता है। हमारी देशज संस्कृति हमारी पारंपरिक प्रज्ञा के निर्माण में अहम भूमिका निभाती थी और उसका सिलसिला हमारे दैनंदिन जीवन से शुरू होता। एक छोटे से उदाहरण से मैं बताऊं कि आज अगर एक तालाब की सफाई करना है तो सरकार एक मशीन लगाएगी, एक टेंडर कॉल करेगी और ये करेगी सारी प्रक्रिया। हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ था कि एकादशी को, अमावस्या को, शनिवार को, या जैसे हम कड़े वार कहते हैं उन वारों को, जो भी वहां जाएगा मंदिर किसी भी दर्शन करने, उस मंदिर के पास भी तालाब होते थे, मंदिर के पास तालाब, बगीचे ये बनी होती थी। और आज भी सारे भारत के आप स्थापत्य को देखेंगे तो इसके आसपास ये चीजें आपको मिलेंगी अगर गौर करेंगे, है ना। तो वहां जो दर्शन करने दर्शनार्थी गया वो अपने दर्शन में से 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट कुछ समय ऐसा निकालता और 10 कड़ाई कचरा साफ करता था, 5 कड़ाई कचरा साफ करता था, कभी 3 कड़ाई कचरा साफ करता था, जितनी जिसकी सामर्थ्य। कोई बाध्यता नहीं थी उस पे, कोई प्रेशर नहीं था, दबाव नहीं था कि तुम्हें ये करना है, स्वेच्छा से करता था। औरतें घर का काम करती थी, बच्चे पाल रही थी, परिवार और समाज का संचालन कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, लेकिन वहां आकर सुबह शाम कुछ सफाई का सहयोग भी कर जाती थी, बच्चे करके जाते थे। यानी समाज का हर जाति, हर वर्ग, वर्ग वर्ण नस्ल जाति धर्म रंग भाषा के भेद से उठकर तालाब और ताल संस्कृति, और जिसको मूल में कहें जल संस्कृति की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए उत्प्रेरित रहता था। और ये सेल्फ मोटिवेटेड था क्योंकि उनके पास एक दृष्टि थी कि ये हमारी चीज है। हम उसमें आप देखिए कि जो सामाजिक स्तर पर जो लोग आते थे, अभी उसमें देखिए अभी भी एक कोरम पूरा जैसे करने जैसी कार्रवाई तो हम कह सकते हैं हमारे, मैं अपने शहर से देख सकता हूँ और भी जगह मैंने अध्ययन किया तो पाया ये है कि आपका जब विवाह होता है तो आप लोग भी जानते होंगे कि कुएं की पूजा कराई जाती, कई जगह तालाब में जाकर कुछ पैसा कुछ चीजें चढ़ाई जाती। क्यों? ताकि तालाब से जुड़ी वो जो संस्था, वहां जो स्वामी सेवक सुथार जैसे हमारे यहाँ होते हैं, सुथार तो नहीं के स्वामी सेवक और ये दूसरी जात माली, ये लोग जो वहां रहकर उसका काम कर रहे हैं दिन रात, और बाकी व्यापक समाज, उसको संसाधन की कमी नहीं आए। तो प्रत्येक समाज का प्रत्येक परिवार अपने आय का कुछ हिस्सा इन पानी की संरचनाओं को इस रूप में, साल में आज फला जल जल पूजनी एकादशी है, आज फला वो व्रत है, आज फला यज्ञ उपवन किया है, अपने संस्कार किया है, आज फला यज्ञ किया है, तो ये करके आप कुल मिलाकर ये करते थे। क्योंकि ये तालाब केवल तालाब नहीं थे, हमारे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र भी थे, क्योंकि राजस्थान में आप देखिए समंदर तो नहीं है, नदी नहीं है, तो पानी के किनारे जाने का लुत्फ उठाना है और अगर आपको उसका आनंद लेना है प्रकृति का तो कहाँ जाएंगे आप, तालाब के किनारे। तो बड़े बड़े झीले हैं, तालाब जो थे हमारे झालरे थे, तो उनके पास आदमी जाता था, ठंडी हवा आती थी, अच्छा वातावरण होता था, तो वो ये समझता था कि जिस संरचना से मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं उसके प्रति मेरा भी वापस दायित्व तो उसको बनाने का, उसको सुधारने का, उसको संवारने का बनता है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो आप समझिए कि अगर वही बात है कि किसी चीज का हम केवल शोषण करेंगे, उसका पोषण नहीं करेंगे, तो वो चीज हमारे दिन साथ ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। शोषण और पोषण दोनों को हमें संतुलित करना होता है। और ये इसके लिए कई बार उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गाय को आप, गांधी जी कहा करते थे, गाय को आप चारा खिलाए बिना अगर उसको दूते रहेंगे दूते रहेंगे दूते रहेंगे तो एक स्तर पर दूध की जगह खून आना शुरू हो जाएगा। वह खून अब तालाब से भी आ रहा है प्रतिकार अर्थ में, पानी वहां समाप्त हो गया है, बीमारियों ने आपको जकड़ना शुरू कर दिया है।
पर्यावरण आपका प्रदूषित हो रहा है, सांस्कृतिक वातावरण दूषित हो रहा है, संवेदनहीनता बढ़ रही है, जो संवेदनशीलता थी वो हीनता की तरफ जा रही है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जिस चीज को हम दैनिक उपयोग में ला रहे हैं उसका केवल शोषण करने की वृत्ति से हटें, उसको पोषित करने का विचार भी हमारे साथ पूरी तरह काम करना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें थी जो तो मैंने आपको बताया कि जिसके माध्यम से व्यापक समाज और समुदाय अपनी जल संरचनाओं के माध्यम से, चाहे वो कुआ था, चाहे वो बावड़ी थी, चाहे वो तालाब था, या कि कोई अन्य साधन, करीब राजस्थान में मैंने करीब 13 प्रकार की जल संरचनाओं का अध्ययन किया है। तो 13 की 13 तरह की जल संरचनाओं में, अच्छा ये भी नहीं था कि केवल बाहर की जल संरचनाओं, घर में भी आप मटकी का पूजन करते हैं, नागपंचमी के दिन अपने पानी का जो स्रोत है उसकी पूजा करते हैं अपन। तो हर जगह हमने जल संरचना से जुड़े छोटे, हमने बर्तनों का जो आकार और संरचना वो बनाई, आप देखिए सुराई ऊपर से गर्दन की तरह पतली, नीचे से उसका जो है पेंदा मोटा, है ना। हमारे यहाँ जो जो माटे बनते थे तो माटों को उसका आकार जमीन में डालकर रखना, पानी सहेजने के लिए जो छोटे टैंक आजकल आप बनाते हैं, 1000 लीटर की टंकी या 500 लीटर की टंकी, हमारे यहाँ माटे होते थे, मिट्टी का बना होता था, अगर फूट गया तो जमीन जमीन में केमिकल नहीं जाएगा, मिट्टी का चीज मिट्टी में मिल जाएगी और जमीन का उपजाऊ हीपन कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन आज की ये टंकियां जो केमिकलों से बनी है, अगर ये टूट गई और जमीन में गई तो जमीन की उर्वरता जो है उसको भी नष्ट करती है। तो समाज कितनी, मतलब पारंपरिक प्रज्ञा का कितना उन्मान था कि उसके माध्यम से समाज बहुत सक्रिय था, सजग था, और अपने इन जल संरचनाओं और पारंपरिक जल प्रणालियों और पारंपरिक अनुभव व्यवस्था के प्रति बहुत संवेदनशील था। जरूर, जैसा कि सर ने बताया कि अभी पारंपरिक प्रज्ञा के प्रति, जल संचयन के प्रति बहुत चेतनशील था। मेरा कृष्णा जी आपसे एक सवाल है कि आप चूंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं और काफी ऐतिहासिक स्रोतों से लगातार दो चार रही हैं, परंतु एक जनरल परसेप्शन ये आया है कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उसके अंतर्गत वुमेन वॉइस जो है वो ऑलमोस्ट डिसेंट या एक ऑलमोस्ट न्यूनाधिक कुछ ही है अभी। तो मैं जानना चाहूंगा कि मारवाड़ क्षेत्र के आधार को लेते हुए क्या इस तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन भी वाटर बॉडीज के निर्माण में आपको मिलता है, जैसा कि अभी बताया गया कि व्यक्तियों के द्वारा है, मंदिरों के पास जाकर 2 कढ़ाई 5 कढ़ाई अपना योगदान श्रमदान या कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता। मारवाड़ माई पानी रे जदा आप बात करा जने महिलाओं का बलिदान और समर्पण ने नहीं भूल सका। वुमेन इन जोधपुर हैव एक्चुअली बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ वाटर गवर्नेंस। रानी सर लेन एज द नेम स्टेट्स was sponsored by Rani Jasmade, queen during the reign of Rao Jodha, Jodhpur's founder. It is Jodhpur's oldest lake and the foundation of the old city's water management system. 500 years old, Rani Sar continues to serve the needs of Mehrangarh Museum Trust even today. Later queens and concubines continued with this tradition of sponsorship. At community level as well, it was women who fetched water as Pinhari and regulated use in households. मारवाड़ में घणकरा तालाब कुआं और बावड़ियां री खुदाई में महिलाओं रो महत्व सहयोग रियो है। धन्यवाद कृष्ण जी। मैं अगला सवाल अपना नीरज जी से करना चाहूंगा। नीरज जी, जैसे कि आपने देखा तालाब कुओं के बारे में बताया, सो व्हाट डू यू लाइक टू डू, यू हैव कम्युनिकेटेड सो मेनी टाइम्स द वाटर विजडम वर्ड। So if we want to know how water wisdom you implement or saw in different set of water bodies in Rajasthan, kindly please share with us. देखिए, मैं दो वाटर बॉडीज के बारे में बात करता हूँ। एक तो होते हैं कुई, जो कुएं से छोटे आकार में होती है, और एक होता है खड़ी, जो कि खाली जमीन होती है, खेती की जमीन होती है, लेकिन जिसपे एक टेम्परेरी तालाब बन जाता है, पानी को संचय कर लिया जाता है उसके अंदर, और उस पानी को आप यूज इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है और जो दलदल बसती है उसमें आप एक फसल निकाल लेते हैं, और जो पानी जमीन में चला जाता है उस पर तालाब के सूखने पर, वो आपके कुएं और बावड़ियों में निकल के आ जाता है। तो एक पानी का 2 बार इस्तेमाल हो जाता है, और यही कारण है कि आप देखेंगे जैसलमेर जैसे सूखे प्रदेश में भी खड़ी द्वारा आप गेहूं जैसी फसल निकाल सकते हो। ये सोचने में नहीं आएगा कि आपके आप कहीं जा रहे हैं और हर तरफ मिट्टी के धोरे धोरे, बीच में अचानक एक हरियाली लहलाती जमीन आ जाती है, खेत आ जाता है और वहां गेहूं उग रहा है। तो एक ये बहुत ही जिसको हम कहते हैं ना कि यूनिक राजस्थानी इनोवेशन है खड़ी, जो आपको लगेगा नहीं तालाब है लेकिन वो तालाब है। और दूसरा है कुई, जो कि आपको शेखावटी झुंझुनू इधर इस तरह शेखावटी रीजन में मिलेगा, जहां पर एक जमीन के नीचे जिप्सम की लेयर चलती है, तो जो पानी गिरता है वो नीचे नहीं जा पाता है, वो मिट्टी में ही रह जाता है, आप कहते हैं उमस बन के, ह्यूमिडिटी बन के। तो
कुई ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पर कुई बनाने से वो कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो वो जो पानी जो वाष्पीकरण उमस बन के मिट्टी में पड़ा है वो बहता बहता कुई में आ जाता है। और इसकी जो बनाने की कला है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, कुछ ही लोग कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टिपिकल है। तो ये जो आप यूनिक देखेंगे चीजें जो यहाँ पर हैं वो इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि आज के लोग मतलब सोच सकते हैं, अलग तरह का सोफिस्टिकेशन है आज में, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट था और वहां लोगों को बसने में मदद मिली। जरूर, जैसा कि नीरज जी ने अभी बताया कि इसकी बनाने की कला कुइयों की अपने आप में बहुत अलग है, बहुत ही है। मैं इसी से जुड़ा एक प्रश्न हमारे डॉक्टर विजेतन जी जोशी आपसे जानना चाहेंगे कि बनाने की, वाटर बॉडीज के बनाने की प्रक्रिया के अंदर एक समाज के प्रबुद्ध वर्ग का योगदान होता था। उस प्रबुद्ध वर्ग को थोड़ा सा विस्तार देना चाहूं तो जैसे गजधर, सिलावट, ओड, ये सब के सब व्यक्ति विशेष मिलकर पानी के बनाने की, स्रोतों के बनाने की प्रक्रिया है। आप इन्हें किस रूप से देखते हैं, इनके योगदान को पारंपरिक प्रज्ञा के अंदर किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, प्लीज? देख, ये जो चेलवा है या ओड है या कि जैसे गजधर है ना, ये जितने आप इनके नाम लेंगे, या सुंगा है, सुंगा आप समझ रहे हैं जो सूंघ कर जमीन में भूजल, मैं बता सकते हैं है ना, या भोपा है ना, ये बहुत, मैं इनको दरअसल संस्कृति में लोक शिक्षक, ये हमारी संस्कृति के लोक शिक्षक है। देखिए अकादमिक पढ़ाई तो आपको कोई भी विद्यालय करा देता है या महाविद्यालय करा देता है या कोई संस्थान करा देता है, लेकिन दैनंदिन जीवन में, दैनंदिन उपयोग में आने वाली चीजों के महत्व के बारे में एक लोक शिक्षक आपको सही ढंग से बताता है कि ये लोक जिसमें आप विचरण कर रहे हैं और रह रहे हैं, इसमें रहते हुए मनुष्य और मानवेत्वर चीजों के प्रति या मतलब उनके जो जीवों के प्रति आपकी संवेदनशीलता किस तरह काम करनी चाहिए। आपको ताजुब होगा कि घर में जब शादी होती या घर में जो कोई अच्छा मतलब ये आपका कुछ ऐसा होता फंक्शन, तो घर में चेलवा जी को बुलाया जाता था, जिस जो घर बना रहा है उसको। समाज का जब फंक्शन होता तो समाज के ताल तलाई कुएं का निर्माण जिस टीम ने किया है उसको बुलाकर उसका अभिनंदन करते थे, उसे शाल पहनाते थे, तांबे का सिक्का देते थे, कांसे की थाली देते थे और उसका पूरा मान करते थे, सम्मान करते थे। आज समाज साफा भी पहनाते थे, मैं वो बता रहा हूँ सारा सांस्कृतिक जितना है। और आप ये सारा क्यों करते थे? क्योंकि आप कृतज्ञता महसूस करते थे कि इस व्यक्ति और इन व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से हमारे जीवन भर का एक स्रोत विकसित हुआ है, जिससे केवल हम ही नहीं, हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पशु संस्कृति जो हमारी सहजीवी है, सहचर संस्कृति है, वो भी लाभान्वित होती थी। और वह समाज पशुओं से पीने के पानी के लिए कोई नहीं था, बच्चों को पानी के पीने की पूरी छूट थी, और उनको वार त्योहार पर बाकायदा कुम्हार को और जो मिट्टी का काम कर रहा है उसको, जो चूने का घरट का काम कर रहा है उसको, इन सबको एक साथ एक मंच पर बुलाया जाता था। इन्हें किसी जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल, मैंने बताया जैसे भाषा, लिंग के भेद से विभाजित नहीं किया जाता, ये सब एक अभेद दृष्टि थी कि ये हमारी संस्कृति के शिक्षक हैं, ये हमें जीवन से गहरे जुड़ना सिखा रहे हैं, इनकी वजह से हमारा जीवन हरा भरा है, हमारी दैनंदिन आवश्यकताएं भरी पूरी मात्रा में पूरा हो रही है। तो ये जो समाज में कृतज्ञता थी वह इन लोगों के साथ शिष्टाचार में, दैनंदिन शिष्टाचार में, सामाजिक व्यवहार और शिष्टाचार में पाई जाती थी। अब का तथा कथित औपनिवेशिक शिक्षा से शिक्षित और दीक्षित समाज इस संस्कृति को भूल रहा है। आज घर में जब चेलवा आता था तो गुड़ की डली देते थे, उसको गुड़ की डली पकड़ाते थे हाथ में, सुनार आता था तो उसको देते थे, कुम्हार आता तो उसको देते थे। क्यों? कि हमने उसको एक तरह से लोक देव की तरह माना, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी सृष्टि की जो खूबसूरत संरचना है आसपास की उसमें इसका बड़ा योगदान है, और ये सदा की त्रुटि आई या परेशानी आई तो वो आकर उसका निराकरण करता था। किस जमीन पे जो है तालाब बनेगा, किस जमीन पे कुआं खुदेगा, किस जमीन पे जो है तलाई बनेगी, किस जमीन पे जो है आपका झालरा बनेगा, किस जमीन पे जो है उससे निकलते हुए मोगे बनेंगे या उसका जो कैचमेंट एरिया बनेगा वो कौन सा रहेगा, कितना होगा, ये सब शिक्षा दीक्षा हमारी भाषा में वह अपढ़ समाज जिसे हम कहते हैं कि वह पढ़ा लिखा समाज नहीं था, वो ये सब जानता था और वो इन लोगों का सम्मान करता था।
गजधर को या तेलवा जी को समाज के किसी भी लोक में किसी भी महत्वपूर्ण पुरुष से कम मान्यता नहीं थी। आज हमने इन सबको लेबर करार दे दिया, ये मजदूर वर्ग है। हम इनसे बात करते वक्त ये समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और ये हमारे वेतनभोगी कर्मचारी की तरह। तो ये जो समाज की दृष्टि में विकार आया है वह दरअसल हमारी पारंपरिक प्रज्ञा के पतन का मूल कारण है। ये जो हमारी संवेदनशीलता हुई है खराब और विकृत रास्ते पे चल पड़ी है, और दूसरा हमारा जो सोच, हमारी दृष्टि, दर्शन जो हमारा बदला है देखने का चीजों का, उसने समाज की इस पारंपरिक प्रज्ञा को बहुत क्षति पहुंचाई है। जबकि हमारा पारंपरिक समाज इन सब का बड़ा सम्मान करता था, इनको मान देता था, इनको मनुहार इनकी करता था, इनको इनका गौरव देता था और इनको अपने बराबर समकक्ष मानकर समाज के समेकित विकास में इनकी सहभागिता को स्वीकारता था और उसके प्रति निरंतर कृतज्ञ भाव से इनके साथ जुड़ा रहता था। और बहुत सी जातियों को भी आप इस तरह से देखेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो तालाब के आसपास जो बगीचियां हैं और जो आपके जो इस तरह से रह रहे हैं सारे लोग, तो वो जो बगीचियां हैं या वो जो धर्मशालाएं हैं या जो आपके पानी के जो साधन है तालाब का है, आगोर में रहने वाला, पहरेदारी करने वाला, अब उसके घर अगर कोई फंक्शन हुआ, बेटे बेटी का ब्याह या उसकी तकलीफ हुई, तो सारा समाज मिलकर उस तकलीफ को, और उस मतलब अच्छे अनुभव थे तो उसमें अच्छे में भी शामिल होता था और बुरे होते तो बुरे में शामिल होता था, ये मानता था ये हमारे परिवार में ही घट रहा है। क्या अब हमारे समाज में ऐसी समझ और ऐसी संवेदनशीलता रह गई है? हमें इस पर विचार करना बहुत होगा। कहने को हम अकेडमिक बहुत अच्छा, आगे बढ़े हैं और बहुत हमने विकास भी किया था कथित, लेकिन ये विकास हमें किस ओर ले जा रहा है इस पर हमें विचार करना होगा और देखना होगा। बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात, जैसा कि सर ने बताया अभी कि वो हमारे लोक शिक्षक थे जिनको हम स्टोन कटर और मैसनर्स कहते हैं। चाणक्य ने एक बात कही थी कि जो लोक जानता है वो सर्वज्ञ है और जो शास्त्र जानता है वो अल्पज्ञ है। तो इन्हीं बात से ही आगे मैं अपना अगला प्रश्न कृष्णा जी आपके सामने रखता हूँ कि राजस्थानी संस्कृति के अंदर एक शब्द यूज किया जाता है, जल जगह जगदीश। तो जहाँ जगदीश यानी धर्म है वहां जल है, तो धर्म का जल से जुड़ाव कैसे है? वी वॉन्ट टू नो अबाउट, काइंड एलोबरेट ऑन दिस कृष्णा जी। कई त्योहार और उत्सव जलू जुड़ियोड़ा है। देव जुली, ग्यारस, गणगौर, जल पूजन आदि अवसरा माते जल री पूजा वे है। इन अ डेजर्ट वाटर इज अ सेक्रेड एंटिटी, एज प्रोफेसर हैज ऑलरेडी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। नेचुरली प्रोवाइडिंग वाटर वाज बिलीव टू बी अ नोबल डीड, सो मेनी जोधपुर क्वींस स्पॉन्सर्ड वाटर बॉडीज टू अर्न पुण्य कर्म, दैट इज स्पिरिचुअल मेरिट। We come to know about this through construction bahis and historical records such as Marwadra Parganari Vigat. Divine intervention also came in other ways. There's a concept called Oran, which is basically refers to a sacred forest. Now in Marwar, these were community owned and strictly protected. They also were often catchment areas for water bodies. If you notice, all major water bodies in Marwar are attached to a temple, which adds to that sense of reverence. Is it voice audible? I'm audible from there to जी other speakers? यस हाँ, यस बहुत अच्छा आपने अभी कृष्णा जी बताया कि किस तरीके से पुण्य कर्म से जुड़ी हुई है। मैं अपना अगला सवाल नीरज जी आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से धर्म का जल से जुड़ाव है, हाउ यू सी द कोएग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर विद द वॉटर इन राजस्थान। बहुत ऐसी चीजों के अंदर है कि हमारी जल संस्कृति हमारे बारे में बताया, हमारी वॉटर विजडम इसमें, तो कल्चर को आप किस तरीके से, हमारे राजस्थानी कल्चर को जल से जोड़कर एक एक वेरी फाइन ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स यू सी परसीव इट, वी वांट टू नो इट। नीरज जी मुझे तो ऐसा लगता है कि जल से जोड़ना नहीं है, जल ही में हमारा जीवन है। तो जल से अलग थलग तो कुछ है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे, कहीं भी थोड़ा सा बोलते हैं कि पानी को आप थोड़ा सा ऊपर से हिलाओगे तो नीचे का दिखने लगता है, पानी साफ दिखने लगता है। तो हमारे समाज को भी आप थोड़ा सा हिलाओगे तो हर जगह पानी दिखने लगेगा। हमारा खान पान, भाई खाना तो चलो दुनिया भर में वैसा ही होता है जहां पर जिस तरह की जलवायु होती है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो उसी बात पे जाएंगे कि जब जल से ही आपको जीवन मिला है और जल ही के कारण आप बचे हुए हैं और मरुस्थल जैसी जगह पे, तो जी
तो धीरे धीरे करके जल हर जगह प्रवाह होने लगता है, हर जगह में आपके हर कर्मों में प्रवाह होने लगता है। जैसे हम बात करते हैं, काफी जो हमारे रिसर्चर्स उन्होंने कहा है कि बादलों के नाम, अब बादलों के नाम कोई टेक्निकल नहीं है, बादलों के नाम बनते चले जाते हैं, हर कोई बना जोड़ता चला जाता है उसके अंदर, वो लेक्सिकन जो बड़ी हुई है उसमें इंसानी व्यवहार का झलक आती है। अब एक बादल का नाम है तीतर पंख, तो तीतर के पंखों की झलक अगर बादल में दिख गई तो बादल हो गया, तो उसका ह्यूमन जिसको बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन कर दिया बादल का, तो वो हमारा मित्र बन गया। इसी प्रकार आप लेंगे हमारे नाच गान लेंगे जो पनिहारिन संगीत है, या आपका ये चरा चरी डांस है, चरी डांस कुछ भी नहीं है, चरी डांस एक डेली का एक इवेंट है जो एक महिला करती है घर से कुएं तक और या कहीं भी वाटर सोर्स तक पानी लेके आने का, उसको आपने पूरा पूरा एक नृत्य बना दिया है। तो पानी से सिर्फ जीवन नहीं मिला, पानी से जीवन में रंग भी आया है। हम एक बात करते हैं फैब्रिक की जो है कि लहरिया, और वो हरियाली तीज पे पहनते हैं, तो लहरिया जब महिलाएं पहनती है तो एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं इल्यूजन क्रिएट होता है कि पानी बह रहा है। तो ये भी एक प्रकार से भगवान की तरफ वो है प्रार्थना है कि जी हमारे यहाँ बहता पानी नहीं है, लेकिन इतना बरसो कि पानी बहने लगे, और उसी के लिए हमने ये पहन रखा है। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 हमारे रहन सहन, जैसे मेरी नानी कहा करती थी भाई नहाने के लिए आधा बाल्टी पानी मिलता है, और हम लोग जो थे मैं और मेरे दो भाई बहन, हम लोग कोटा से आते थे जहां पानी की कमी नहीं है क्योंकि वहां चंबल बहती है, हम लोग बड़े वहां हुए। तो जब हम यहाँ आते थे हमारे गांव में और हम ये सब देखते थे तो हमें ये मालूम पड़ता था कि ये सिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये जो असर है आपके अंदर बचपन से जो बैठ गया वो सारे जीवन तक आपका व्यवहार रहेगा। और ये मेरे साथ आज तक चलता है, जब भी मैं थोड़ा सा भी कहीं बाहर जाता हूँ तो ये मेरे अंदर रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी कमी कारण हुआ, लेकिन पानी का जीवन अलग जीवन है जो कि यहाँ का समाज जीता था और कई कई मायनों में अभी भी जीता है। बहुत अच्छा आपने नीरज जी, यदि समय की बहुत शॉर्टेज हमारे पास है, वक्त इजाजत नहीं देता, और भी इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। मैं अभी डॉक्टर ब्रजतन जी जोशी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने अभी पुराने अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में कहा कि हम इस चेतना को कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारी पारंपरिक प्रज्ञा के जो चरण है वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं। इसमें एक बहुत संवेदनशील प्रश्न है डॉक्टर साहब, जल संरक्षण में या जल के संरक्षण में तीन प्रमुख घटकों को हम देखते हैं, एक राज्य जो हर चीज को आउटसोर्स करना चाहता है, एक प्राइवेट सेक्टर जो मैक्सिमम उससे लाभ लेना चाहता है, और एक है कॉमन्स, वो कॉमन्स जो कि किसी भी तरीके से जीवन के अंतिम छोर में या समाज के अंतिम छोर पर। इन तीनों की भूमिकाओं को आप जल संरक्षण और जल स्रोतों के निर्माण में किस तरीके से देखते हैं, कृपया संक्षिप्त में हम लोगों के सामने साझा करें। देखिए नितिन, इसमें ऐसा है, सबसे पहले तो जल को एक उत्पाद वस्तु मानना हमारी दृष्टि का दोष है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और जो प्रकृति से हमें मिला है, और प्रकृति हमें किसी तरह का वर्गीकरण करके नहीं दे रही कि आज मैंने इतनी लीटर बूंदे नीचे बरसाई है, और आज मैंने सवर्णों पर बरसाई है और दलितों पर नहीं बरसाई है, आज मैंने अमीरों पर बरसाई और गरीबों पर नहीं बरसाई है, ऐसा नहीं है। आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृति के व्यवहार में एक लोकतंत्र है, और जो जल का अपना एक तरह से जल दृष्टि का अपना एक उदार दृष्टि का परिचायक है और लोकतंत्र का परिचायक है। तो ये जो हमारी नई शिक्षा है, हमारी अंग्रेजी किस्म की शिक्षा है, जिसने आपकी ये भेद बुद्धि में ये तीन जाले की, राज्य एक अलग घटक है और एक ये जो क्या है सोसाइटी एक अलग घटक है, निजीकरण करने वाले अलग घटक है और जो व्यापक समाज अलग घटक है, ठीक है ये दृष्टि को देखने के लिए सही है, लेकिन क्या सब मिलकर समाज नहीं बनते ही? क्या कोई राज्य समाज से भिन्न बन सकता है? कभी। पहले एक समाज होगा तभी तो उसमें कुछ रहने के लिए आप कुछ नियम बनाएंगे, कानून बताएंगे, मर्यादाएं बताएंगे, रीति बताएंगे, रिवाज बनाएंगे, फिर उनका उसका कोई लॉ में संहिताकरण होगा, फिर उसको पालन करने के लिए कुछ बनेगी। तो ये हमारे अंदर भेद बुद्धि में आई क्योंकि ये चीजों को इस तरह से बांट कर देखा जाए, हम चीजों को समग्र रूप से देखने का प्रयास से क्यों नहीं करते, पहली तो एक। दूसरा, अगर हम आपकी इस दृष्टि से दे भी लें कि भी राज्य की क्या भूमिका है, तो राज्य मूलतः एक सेवा भावी संस्थान है, लोक कल्याणकारी संस्थान है, व्यापार कमाने वाली संस्था नहीं है, जैसा कि आज की सारी सत्ताएं कर रही है। आजादी के बाद से लेकर अब तक जो भारत के राज्य के चरित्र में आया है उसमें राज्य एक पैसा कमाने वाला संस्थान बन गया, कॉर्पोरेट कल्चर के प्रभाव में आ गया। राज्य का मूल कारण है लोक कल्याण करना,
लोगों के लिए जीवन को आसान करना, लोगों के लिए उस जीवन की मूलभूत और आधारभूत जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। मैं इसी बात को आगे लेते हुए कृष्णा जी, जैसे सर ने बताया कि अभी समग्र दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता, तो मैं आपसे चाहूंगा, बीइंग अ यंगेस्ट स्पीकर अमंग द ऑल पैनल्स ऑफ दिस फेस्टिवल, आप ये जो जल संरक्षण की पारंपरिक प्रक्रिया है, जैसे कहें ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर सिस्टम है, और आधुनिक जल संग्रहण की जो प्रणाली है, इनके बीच में सुमेल किस तरह से देखती है, कैसे देखती है कि ये दोनों इम्प्लीमेंट या इनका कुछ हिस्सा आज भी हम संरक्षण या स्रोतों के आगे बढ़ाने में प्रयोग कर सकते हैं? I think the problem is in how we approach things. So we tend to think that modern is always versus traditional. So be it ideas, be it culture, or be it technology. The change has to come in saying that modern and traditional can be complementary. And I think the legacy we've been left by waterman Rajendra Singh, and also the work done by NGO Jal Bhagirathi Foundation, gives us examples of this complementary approach. I'll also give you another example of a newly built stepwell in Jodhpur, Birkha Bawdi. It's been very recently built, and it's used to, it's based on rainwater harvesting, and it's used to irrigate the lawns of a residential colony. Now that's this complementary approach that we need to start taking. बहुत अच्छा, ये बताता है कि किस तरीके से पुरानी जानकारी को भी वर्तमान के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, आपने दो उदाहरणों के माध्यम से बताया। मैं नीरज जी आपसे इस विषय में एक विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा वाटर हेरिटेज वॉक्स को बहुत स्टार्ट किया गया और जो बहुत ही कम समय में बहुत ही पॉपुलैरिटी प्राप्त की। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सहयोग से आपने इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया, काफी लोगों के अंदर आपने जल चेतना को प्रारंभ किया या उनके अंदर जर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस किया, और इस वाटर हेरिटेज वॉक को आपने बहुत ही सुंदर और स्ट्रेट टू हार्ट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरीज, के माध्यम से भी आपने इसको आगे बढ़ाया है। हमारे ये दर्शकों की बेहद जानकारी चाहने चाहूंगे, चाहे वो बीकानेर हो और इस ऑनलाइन माध्यम से वो विश्व के किसी भी कोने में देखना चाहे, तो कि ये वाटर हेरिटेज वॉक का कॉन्सेप्ट क्या है और इस वाटर हेरिटेज वॉक के अंदर आप शॉर्ट स्टोरीज को किस तरीके से वीव आउट करते हैं, क्योंकि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी ओरल हिस्ट्री या ओरल तरीके से बहुत काम किया है, तो मैं अगला प्रश्न इससे संबंधित लूंगा। नीरज जी प्लीज आप बताइए। देखिए हेरिटेज वाटर वॉक जो है वो मतलब ऐसे कोई सोच के तो विचार आया नहीं, सिर्फ इतना सा था कि हम राजस्थान आते हैं, दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, राजस्थान बहुत सुंदर प्रदेश है और हम इसका जो फोकस है, कोर है, जो केंद्र है, उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे हम किलों में जाते हैं तो किले सब ऊंचाई पे बने हैं, पहाड़ों पे बने हुए हैं, तो ये सोचने में नहीं आता कि इतनी ऊंचाई पे किला बनाया है वहां पानी का प्रयोजन कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो और किला बसेगा नहीं या कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस बड़ी को पकड़ के और गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजस्थान में बसावट के कारण क्या है और वो क्या है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं बहुत सारी चीजों को, उससे अगर हटके हम सिर्फ इसको इस बिंदु से देखें कि एक मनोरंजन के तौर पर हम पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार मेरी वॉक में कहता हूँ कि पानी तो सेक्रेड और पूजनीय पूरी दुनिया में है, लेकिन जो लेवल राजस्थान है वो एंटरटेनमेंट पे ले जाता है, सेलिब्रेशन पे ले जाता है, वो अलग है। तो वो वॉक में आता है और कहानियां जो है माइथोलॉजी से भी ली जाती हैं, हमारे मेरे खुद के जीवन से भी ली जाती हैं और जो मैंने देखा सुना आसपास देखा उससे भी आती हैं कहानियां। तो ये मेरा प्रयास ये है कि ये ना बन जाए कि चेतना जगानी है पानी की, मेरा वो प्रयास बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रयास ये है कि आप आए और आप देखें कि राजस्थान है क्या, और आप राजस्थान को जब तक पानी की नजर से नहीं देखेंगे तो शायद राजस्थान को आप का एहसास भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो ये 2 घंटे का टूर मैंने डिजाइन किया और जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर सब में है। ये है क्योंकि यहाँ पे जो पानी के स्रोत हैं वो 300 साल बाद भी अपनी सेवा अपना काम कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल करते नहीं अलग बात है, लेकिन वो चल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया बनी रहे और इस रोचक तरीके से आप उन सब लोगों को जो हेरिटेज वॉक के माध्यम से जयपुर या उस जगह पे आ रहे हैं टूरिस्ट प्लेसों पे, उनके माध्यम से उनको एक जल के प्रति एक आप उनके अवेयरनेस डेवलप करते हैं। क्या ये हम चाहेंगे कि ये जो आपकी हेरिटेज वॉक है ये सिर्फ जयपुर तक ही सीमित ना रहे बल्कि अन्य राजस्थान के अन्य जिलों में, अन्य जहाँ वाटर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर भी ये प्रसारित हो? मैं इसी में एक शॉर्ट स्टोरीज की भूमिका और जानना चाहूंगा नीरज जी, इस पे और थोड़ा आप एलोबरेट करें। शॉर्ट स्टोरीज से मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए
हम सब बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब हम मूवी देखने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं और उसमें एक सार होके रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी कड़ी को बांधना हो तो कहानी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और कहानी पे काफी रिसर्च हुई है कि कहानी इतनी जबरदस्त, क्या बोलते हैं, आकर्षण क्यों है कहानी पे करती। तो वो काफी रिसर्चर्स ने कहा, स्टैनफोर्ड काफी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च हुई कि वो आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से नाता जोड़ती है। और बचपन में तो हमने हमारी बुआ से, और हम जब जाते थे हमारी नानी दादी सबसे, बहुत कहानियां सुनी है जो कि मारवाड़ी में होती थी, और काफी, चूंकि मैं जैन हूं तो काफी सारा जैन धर्म से प्रेरित भी होती थी, लेकिन कहानियां बहुत सुनी है, तो वो बहुत आकर्षित करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आया है और बंदा कोई भी मेरे से मिलने आया, मेरे घूमने आया, तो मैं उसको कैसे, उसको उसके समय का वैल्यू दूं। और कहानी एक वो कड़ी है जो हम दोनों को बांधती है, जो कहानीकार है और जो कहानी सुनता है उसको बांधती है। उसमें बहुत सारा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, सीधे दिल से दिल की बात होती है। तो आप कोई सी भी छोटी कहानी पकड़िए, अगर उसमें दम है, मैं मेरे जीवन से ही अगर कोई जीवन जीता, जो मैंने देखा, मेरी नानियों को देखा, मेरी दादी को देखा, मेरी बुआओं को देखा, जो जिस तरह का जीवन जीती है, वही कहानी बन जाती है। ऐसा कोई बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं होता है, सिंपल सी कहानी होती है और हमारे आपके जीवन से उठाई हुई होती है। मैं इसी बात को आगे करते हुए कृष्णा जी, मैं पुनः आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से एक जुड़ाव पैदा किया जाता है, क्या आपको भी ये लगता है कि मारवाड़ के अगर क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो इस कंडी के अंदर अनुभवी लोगों के द्वारा जो किस्से, कहावतें ये सब की हैं, ये भी एक जल चेतना जगाने में एक अपना अनुपम योगदान दे सकती है? इसके बारे में आप बताएं, चूंकि आप ओरल हिस्ट्री पर भी काफी वर्क कर चुकी हैं। नीरज जी, एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यंग गर्ल्स बिफोर मॉनसून दे गो एंड मेक एन अपील इन द विलेज, सो दे आर कैरिंग अ फ्रॉग मेड ऑफ काउ डंग ऑन देयर हेड्स एंड दे गो आउट मेकिंग एन अपील सेइंग मंकी मींड की ने पानी पाओ, सो गिव आर फ्रॉग वाटर टू ड्रिंक। एंड बेसिकली दे आर कंप्लेनिंग टू द गॉड इंद्रा, द गॉड ऑफ रेन्स, दैट व्हेन विल इट रेन। Now, if this ritual also fails, just in case, women of older age come out in the streets angry. And what they do is they make an effigy of Indra's wife. It's made of grass and it's tied upside down to a tree and it's humiliated so that Indra finally relents and makes it rain. Now, this shows us how, with a literal absence of water, how that is compensated through a cultural abundance about water. Exactly. This interplay of absence and abundance is very interesting and what I also study. वेल, वेरी नाइस। ये बताया कि किस तरीके से जल संरक्षण के अंदर पास्ट का भी, यानी इतिहास का भी, और इन सब ओरल हिस्ट्रीज का भी योगदान है। पर एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मैं डॉक्टर बिजेतन जी से करना चाहूंगा। पूरा राज्य इस समय महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती बना रहा है, और महात्मा गांधी जी का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत ग्राम स्वराज्य है। तो मेरा ये प्रश्न डॉक्टर बृजतन जी जोशी से है कि पारंपरिक प्रज्ञा, जिसकी आपने अभी बात भी करी और बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई, क्या आपको लगता है इस पारंपरिक प्रज्ञा की महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य से कोई साम्यता थी? और साथ में मैं इस चीज को और रखना चाहूंगा कि क्या वो देशज संस्कृति, जिसको आपने पारंपरिक प्रज्ञा बताया, वो इस आधुनिक मीडिया के काल के अंदर किस तरीके से बनाए रखी जा सकती है? ये बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है मेरा आपके प्रति, जो कि हमारे सब दर्शक चाहेंगे आपसे। आपके ये प्रश्न दो हिस्से में है, तो मैं पहले हिस्से पे बात करता हूं कि क्या गांधी का ग्राम समाज और उसके बरक्स पारंपरिक प्रज्ञा, जैसे जल प्रज्ञा या पारंपरिक प्रज्ञा कहें, अनुभव विधि कहें, ज्ञान विधि कहें, इनका आपस में बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता है? बल्कि गांधी ने ये जो ग्राम स्वराज का आइडिया दिया, उसका मतलब ये था कि उन्होंने उस प्राचीन समाज को, अपने पूर्वजों को जो हजारों साल से संस्कृति को जिंदा रखे हुए थे और पोषित कर रहे थे, बढ़ रहे थे, उन्हीं से उसने सीखा सारा ये। गांधी जी ने कोई अपनी तरफ से इनोवेशन नहीं किया। वो हमेशा कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं वही बातें कह रहा हूं जो मैंने अपने अनुभव से, अपने पूर्वजों से, अपने इर्द गिर्द बिखरे ज्ञान संसार से मैंने एक तरह से ग्रहण की है, एकत्र की है। जब वो ज्ञान ग्राम स्वराज कह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई गांव को एक पॉलिटिकली आजादी दे दी कि अपने डिसीजन कर ले, ऐसा नहीं है। वहां स्वराज गांधी के लिए शब्द, इसको समझना जरूरी है। दोनों जगह स्वराज का मतलब है आप अपने को जाने, अपने
को न केवल जाने बल्कि अपने द्वारा जो दैनंदिन कर्म हो रहे हैं वो आप उस तरह से करें। हमारे जो गुरुजी थे रविंद्र शर्मा जी, वो ये कहते थे कि ये जो देशज संस्कृति है, वो गांधी से काफी प्रभावित थे इन मामलों में। तो व्यक्तिगत मेरी मुलाकातों में उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि बिल्कुल गांधी की ही भाषा को दूसरी भाषा में कहते थे इसको। उन्होंने अपने जीवन में, वो कहते मैं अपने घर से 25 किलोमीटर दूर के अलावा मैंने कुछ देखा ही, मैंने जीवन भर 25 किलोमीटर के एरिया कोई एक तरह से देखा। अब गांधी क्या कहते हैं ग्राम स्वराज में या स्वराज में, कि आप अपने गांव का विकास, गांव में होने वाली किसी भी संरचना का विकास, उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, भौगोलिक संसाधन हैं, उन्हीं से करेंगे। यानी आप कोई बाहरी तत्व या बाहरी चीजें उसके इस्तेमाल में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो वहां के भूगोल से, वो वहां की जमीन से, वहां की जमीन के स्वभाव से, वहां के प्राकृतिक वातावरण से गहरी जुड़ी हुई है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ हर जो आयुर्वेद है उसमें रोग का जब पहले निदान करते हैं तो पूछते हैं कि किस जगह से आए हो, उसको जो पथ्य और परहेज बताए जाते हैं उसी क्षेत्र के हिसाब से बताए जाते हैं। क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपका शरीर जो बना है, वो आपका जो पिंड बना है, वो आपका जो इर्द गिर्द का ब्रह्मांड है, वो आपका 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, तो उसमें जो पाई जाने वाली चीजें हैं वो अगर आप उनको जीते हैं, उनके साथ आप अपने जीवन का आकार का व्याकरण रचते हैं, अपने जीवन को आकार देते हैं, तो वही आपका स्वराज है और वही गांधी का ग्राम स्वराज है। वो ये नहीं कहते कि आप ग्राम स्वराज का मतलब कि आप जिला परिषद से कुछ मदद मांगो, नहीं। हमारे पास यहाँ क्या संसाधन उपलब्ध है, उनका हमारे विकास में कितना उपयोग किया जा सकता है, उनके माध्यम से हम संभावनाओं को और कितना मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, उनके माध्यम से हम अपनी जो सीमाएं उनका किस तरह से पर्यवेक्षण कर सकते हैं, ये देखना जरूरी है, तब स्वराज है। पॉलिटिकल वर्ड नहीं है वहां गांधी के लिए, जो स्वराज शब्द है जहां भी वो प्रयोग कर रहे हैं वो एक राजनीतिक पदावली में नहीं है, वो उसे एक पूरा स्पिरिचुअल अस्तित्व के साथ मानते हैं। स्व का राज यानी आपका अपने पर नियंत्रण, आप अपने इर्द गिर्द के पानी को कितना सुरक्षित रख पाते हैं, अपने इर्द गिर्द की हवा को कितना साफ कर पाते हैं, आपके किसी भी व्यवहार से आपके आसपास का वातावरण, पानी के साधन या सड़क या पेड़ पौधे कोई प्रभावित तो नहीं हो रहा? ये भी तो एक संरचनात्मक हिंसा है, ये नॉन वायलेंस नहीं है क्या ये तरह की, जिसको हम दैनंदिन जीवन में करते रहते हैं? इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। ये जो संरचनात्मक हिंसा का तंत्र हमने जो खड़ा कर लिया है, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने व्यवहार, आप जैसे आप गए और बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं और उन्होंने पेड़ की डाली तोड़ दी, क्यों भाई? अब जुहाल गालतुंग गालतुंग और डेविड बॉम और ऐसे कई बड़े शांति विचारक और साइकेट्रिस्ट ये सब ये कह रहे हैं कि अगर आपने उड़ती तितली को भी पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपने ब्रह्मांड की लय में एक विचलन पैदा कर दिया, क्योंकि ब्रह्मांड की जो लय चल रही है उसमें उस तितली का भी योगदान है। आप तो सरेआम पेड़ तोड़ देते हैं, डाली तोड़ देते हैं, बैठे बैठे घास उखाड़ देते हैं और कुछ पेड़ की पपड़ी उतार लेंगे, उसका जो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं उसके छाल उतार देते हैं वृक्ष की, और आपके लिए बहुत सामान्य कर्म है। तो ये स्वराज हुआ है कि मैं पहले अपनी इन वृत्तियों पर विजय प्राप्त करूं, जो अकारण ही मेरे कारण से प्रकृति में विचलन आ रहा है उसको मैं रोकूं, और फिर जो प्रकृति ने मेरे इर्द गिर्द जो संसाधन दिए और उन्हीं से मेरा ये जो मेरे मेरे पूर्वजों का शरीर जो बनाए उन्हीं के अधिक अनुकूल बनाए, तो उन्हीं का उपयोग करते हुए मैं अपने जीवन को संवारूं, सजाऊं और मैं अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ूं। और ऐसा हर गांव अगर करना लगेगा और हर ऐसा व्यक्ति करने लगेगा तो सोचिए, जो साधनों की किल्लत है और इनकी जो देखभाल की समस्या आ रही है और जो बार बार स्वावलंबन घट रहा है वो तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। दरअसल समस्या यही आ रही है कि ये स्वराज हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमने इसको एक पॉलिटिकल वर्ड मान लिया है कि इसको हम लोकतांत्रिकता ज्यादा दे देते हैं, बजट ज्यादा दे देते हैं, वो डिसीजन कर लेगा, ये हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होना। आज जितने ऑर्गेनाइजेशन हमने बना रखे हैं और ये वृक्ष मित्र और जल योद्धा और पर्यावरण, क्या उस समाज के पास ऐसी कोई संस्थान थी? कोई संस्थान नहीं थी, तब भी सारा समाज सुरक्षित था, हजारों साल तक बिना इन सब के सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जल योद्धा था, हर व्यक्ति एक वृक्ष मित्र था, हर व्यक्ति प्रकृति का एक सहचर था। आज हमने वो खो दिया, हमने सोच लिया कि नहीं, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना इसके। और अब देखिए हम नीरज जी कितना बड़ा काम करें कि ये लोगों को ये बताने के लिए, समझाने के लिए, देखिए हमारी कहानियों में भी ये चीज है, हमारे पूर्वजों की पूर्व संस्कृति में ये चीज है, ये बताने की चीज थोड़ी है, ये तो ग्रहण करने की चीज है, आपको इससे जोड़ने की जरूरत है। ये एक उपक्रम करके हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि समाज में उसके प्रति हीन भावना आई है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समाज की दिशा कुछ और है। तो ये स्वराज का यहाँ तात्पर्य, स्वराज उनके लिए बहुत पवित्र शब्द है।
गांधी विचार में स्वराज अत्यंत पवित्र शब्द है और उन्होंने उसको वैदिक विचारधारा से लेकर जोड़ा और वहां स्वराज का मतलब ये कि अपने अपने पर अपना राज। तो मैं अपने पर और अपने इर्द गिर्द बिखरे संसाधनों पर अपना राज करूंगा और अपने गांव का, अपने धानी का, अपने जो इर्द गिर्द का संसार है उसकी रचना करूंगा और उसमें उन्हीं अपनी चीजों का इस्तेमाल करूंगा। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण मैं अपनी बात तो समाप्त करते बताता हूँ, आप अगर लोग वर्धा गए हैं तो आप देखिए वर्धा में गांधी जी का जो आश्रम बना है उसके लिए जो है अपने जो गांधी जी के दत्तक पुत्र कहे जाते थे, क्या नाम उनका, जो मदन मोहन मालवीय और ये जो सारे लोग थे जवाहरलाल नेहरू और ये जो क्या नाम बिजनेस परिवार में है ना जो बजाज 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 हाँ जमनालाल बजाज, खासकर जमनालाल बजाज जो हैं उन्होंने गांधी जी पे बहुत दबाव बनाया कि बापू अब मतलब 1936 में वो दबाव बना रहे हैं उनपे कि अब तो एक घर बना लीजिए आप। तो गांधी जी ने उन्हें उत्तर क्या दिया, गांधी उन्हें कह रहे हैं कि मेरे पास घर बनाने लायक पैसे नहीं है इसलिए मैं घर नहीं बना सकता। तो जमनालाल बजाज ने कहा कि ये लीजिए चेक, आप तो साइन करिए और इसमें रकम भरिए, मैं साइन करता हूँ और पैसे कोई कमी नहीं आएगी। फिर उन्होंने एक उपक्रम शुरू किया कि जर्मनी से, जापान से, ब्रिटेन से जो बड़े बड़े वास्तुकार थे उनसे गांधी जी के लिए एक प्रस्तावित मकान का नक्शा बनवाया। गांधी एक के बाद एक मकान को रिजेक्ट करते गए, जो जर्मनी का था, जो जापान का था, जो ब्रिटेन का था, वो रिजेक्ट करते। तो दो ढाई साल इस मशक्कत में समझ गए कि बापू कुछ और चाहते हैं। तो फिर एक दिन उन्होंने गांधी जी से जिरह बहस की कि साहब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस समय कुल मैं मुझे अक्षर से संख्या याद नहीं है, शायद 100 रुपए या 200 रुपए कुछ ऐसी राशि थी कि मेरे खाते में ही है, 100 रुपए थी शायद। तो एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो मकान बनाऊ उसमें खर्चा 100 रुपए आए, पहली शर्त। दूसरी मेरी मकान की शर्त है कि मेरा मकान जहां बनेगा, मैं जिस जगह मेरा आश्रम बनेगा उसके 25 किलोमीटर की पैराफेरी में जो सामान मिल रहा है उन्हीं से बनेगा, बाहर से कोई सामान नहीं आएगा। और तीसरा गांधी जी की शर्त थी कि मैं अपने घर में कहीं भी बैठूं मुझे आकाश दिखाई देना चाहिए। और मैंने तुम्हारे सारे नक्शे इसलिए खारिज कर दिए क्योंकि उनमें ये एक तो बजट ऊपर जा रहा है, दूसरे उनमें आकाश दिखाई नहीं देता, तीसरे उनमें बाहर के सामानों की बहुत बहुत आयात है जो मैं नहीं चाहता। ये गांधी का स्वराज है। और आपको ताज्जुब होगा अगले दिन उन्होंने बैठकर सबके सामने अपने हाथ से खुद नक्शा बनाया और काम शुरू हुआ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आप रिकॉर्ड्स में देखिए गांधी वांग्मय में 99 रुपए और 50 पैसे खर्चा आया, आसपास की लकड़ियों, घास फूस और उनकी चीजों से वो सारा आश्रम बना। और उसके बाद गुजरात में कितनी बार प्राकृतिक आपदाएं आ गई, आज तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं। और उसके किसी हिस्से में जाकर बैठीजिए, वहां से आपको आकाश दिखाई देता। ये है गांधी का ग्राम स्वराज, ये है उसका स्वराज, उसको इस रूप में समझिए। और आज हम अपना छोटा सा मकान बनाते हैं तो फलाना चीज वहां की मंगाएंगे, ये चीज वहां के लाए, अरे भाई वो चीज वहां के वातावरण के लिए बनी है, आपके वातावरण के अनुकूल नहीं है, आपके भूगोल में उसका कोई रोल नहीं है, आपका भूगोल उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। और परिणाम क्या होता है, अचानक दुर्घटनाएं घटती है, बीमारियां पैदा होती है, जॉइंट्स में पेन हो गए, आप घर आपके जॉइंट्स में पेन का कारण है कभी हमने सोचा है। आज इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, वो गांधी तो उस समय बना कर रहे ऐसा कर रहे थे। तो गांधी का स्वराज हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने आसपास के बिखरे, यानी पहले अपने व्यक्तित्व में जो बिखरा हुआ उसको समेटें, उस पर राज करें और फिर आसपास की जमीन जो है उसमें जो हमें साधन मिल रहे हैं उसी से अपने जीवन यापन को, हमारी जीवन संरचना को आकार दें, तब हमारा सच्चे मायनों में स्वराज हम हासिल कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने 1950 में मृत्यु से पहले कहा था कि अभी तो मैंने इन गोरे अंग्रेजों को भगाया है, आधी लड़ाई तो अभी बाकी है। वो आधी लड़ाई क्या थी, ये इसी स्वराज की लड़ाई थी कि ये जो हमारी मानसिकता में अंग्रेजियत आ गई है, विदेशी मानसिकता से हमने जो सोचना शुरू किया है उसको हमें देशी मानसिकता में, इंडिजीनियस कल्चर जिसे आप कहते हैं, वो अपनी देशज संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, अपनी परंपरा अपनी जड़ों से प्राण लेगा। अब जो पेड़ अपनी परंपरा यानी अपनी जड़ों से रस नहीं लेगा, क्या बाहर से आप एक टंकी जल डाल देंगे तो भी खड़ा रह लेगा, वो नहीं रह पाएगा, वो कभी नहीं रह पाएगा। जो जिसको अपनी परंपरा प्राण नहीं देगी, ऊर्जा नहीं देगी, उसके जीवन का अस्तित्व का होना संभव ही नहीं है। और यही बात गांधी हमें समझाने की कोशिश करते रहे, पर दुर्भाग्य से हमारी एकेडमिक्स ने स्वराज शब्द को एक राजनीतिक अर्थों में लिया और हमें समझाना शुरू किया कि पंचायतें होनी चाहिए। अरे भाई वो सब ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन इसके मूल में ये कह रहे हैं, स्वराज का अर्थ ये है उनके, ये अर्थ समझाइए अपने बालक को, अपने विद्यालयों को, अपने महाविद्यालयों को, अपने समाज को। और ये गांधी जी का उदाहरण देकर बताइए कि देखिए वो अपने स्वराज को कैसे जी रहे। बहुत अच्छा सर,
और बहुत ही रुचिकर आपने इस पूरी डिस्कशन को बना दिया है। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि और भी हो पाए। हमारे ऑर्गेनाइजर्स का स्पष्ट निर्देश है कि समय सीमा की पालना की जाए। तो मैं अपना अंतिम प्रश्न और एक फेज फैक्ट पूछना चाहूंगा। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, और ये अंतिम प्रश्न है इस डिस्कशन का, कि आपके हिसाब से कि ये जो वाटर वॉक्स हैं, इसको आप टूरिज्म से किस तरह से रिलेट करते हैं, और कोविड टाइम के अंदर जहाँ सब लोग अपने आप जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उस दौरान इन चीजों को कैसे रन किया जाता है, तो कोविड टाइम के रिस्पॉन्सेज क्या हैं आपके, और कैसे आप इस चीज को ऑनगोइंग करने में अपने अनुभव से हम लोगों को लाभान्वित करना चाहेंगे, प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, कोविड टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म सबसे बड़ा झटका कोविड को लगा है, टूरिज्म को लगा है कोविड से, क्योंकि लोग बाग आ ही नहीं पा रहे हैं, नए फ्लाइट्स बंद हैं, सब बंद हैं। लेकिन वॉक्स में क्या है, आप चलते हैं, और नाहरगढ़ के जंगलों में अगर आप चल रहे हैं या आमेर में चल रहे हैं तो जगह की कोई कमी नहीं। पहली चीज ये, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, मास्क लगा के रखते हैं। तो नाहरगढ़ में तो मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहता हूँ कि कितने भी लोग आ जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, आप बहुत दूरी दूरी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आमेर में हम लोग अगर कभी कोई आता है, ऐसा कोई ग्रुप आता है, इंटरेस्ट आता है, तो 15 लोगों तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आमेर भी काफी बड़ा किला है, लेकिन 15 लोग से ज्यादा हम करते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स रहा है कोविड का। और मैं तो आप सब लोगों को न्योता देता हूँ कि आप लोग आए, जब भी जयपुर आए, मेरे को आप अपॉर्चुनिटीज दें कि मैं आप लोगों को वॉक करा पाऊँ, हम लोग इस डिस्कशन को पर्सनली आगे कर पाए। जरूर, बहुत अच्छा। कृष्णा जी, अंतिम प्रश्न आपसे, कि आपको लगता है कि इस कोरोना काल के अंदर भी इस वाटर अवेयरनेस को एनहेंस करने के लिए मॉडर्न आईटी टेक्नोलॉजी भी कोई अपना योगदान दे सकती है? कोई अपना संदेश भी चाहे तो युवाओं के लिए जरूर आप दीजिए। थिंक द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ग्रेट डेटा कलेक्शन एंड ट्रांसफर सिस्टम्स विच कैन बी यूज्ड बाय फार्मर्स स्पेशली फॉर आइडेंटिफाइंग वाटर कंजम्पशन पैटर्न्स एंड टू मेक प्रॉपर क्रॉपिंग डिसीजंस। आई हैव ऑलवेज बीन टॉट एज अ चाइल्ड कि हर चीज की अति खराब भी अगर है, एंड दैट इज ट्रू फॉर ब्लिसफुल इग्नोरेंस, बट दैट्स ऑल्सो ट्रू फॉर ट्राइंग ओनली परफेक्ट सोल्यूशंस। सो वॉट वी एक्चुअली नीड is scaling imperfect solutions at a global level where everybody tries with their limitations and puts their best foot forward. जरूर जरूर, इम्परफेक्ट सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है। मैं अपना अंतिम प्रश्न हमारे आज के मुख्य वक्ता और डॉक्टर बृजेंद्र जी जोशी से चाहूंगा कि सर, आपने प्रारंभिक प्रज्ञा की बात करी, गांधी के स्वराज के बारे में बताया, और ये किस तरह से क्षरण हो रही है, उन विशेष तत्वों के बारे में भी जानकारी लाए, और समाज के हर वर्ग का रोल इसके अंदर कितना है ये भी बताया। परंतु वर्तमान जो कि विपत्ति काल, जो कहें महामारी का समय आ गया, इस महामारी के साल के अंदर भी आप किस तरह से जल संरक्षण के कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, आप इस पर भी अपनी रोशनी डालिए। देखिए, ये महामारी ने पहली बार नहीं देखी है, और राजस्थान ने तो अकाल के रूप में इसका बार बार इस विभीषिका का सामना किया है। आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, हमने अकालों में अपने जीवन के आकार को किस तरह बनाए रखा, उसको छत विक्षत नहीं होने दिया, बल्कि उसे और परिष्कृत किया। तो ये समय अंदर में बैठकर सोचने विचारने का है कि हमारे जीवन शैली में, हमारी दृष्टि में जो विकार आ गए हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम घर से शुरुआत कर सकते हैं कि घर में हम जितना पानी उपयोग कर सकते हैं उसका मिनिमम उपयोग कैसे करें। अब आप देखिए कि घर में हम पहले, मैं जब बचपन में था तो बर्तन जो है वो मिट्टी से रगड़ कर साफ किए जाते थे, और उसके बाद कपड़े से उसको चमकाया जाता था। अब आप घर में जो है वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसे बचा सकते हैं। आपके पास बहुत तकनीकी साधन है, ऑर्गेनिक साधन है, जिनके ऐसे संसाधनों के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो फ्लश का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी अब बहुत से साधन आ गए हैं, तो उसको पानी को बचाया जा सकता है। फिर जैसे मैंने अंगोलिया का उदाहरण दिया, ये सब किसके उदाहरण है, ये महामारियों के दौरान किए गए आविष्कार थे समाज के अपने। इसके लिए कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई लैब नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे, कोई बजट नहीं था, और कोई डेटा नहीं था उनके पास। ये था कि एक विशिष्ट समय आ गया है, और ये समय बुरा समय नहीं है, ये भी मेहमान की तरह आया, मेहमान की तरह चला जाएगा, इस मेहमान को हमें कुछ दिन बरतना है, लेकिन साथ ही ये हमें जीवन के लिए एक नई सीख भी देखी जाए।
हमारे जीवन की संरचना को कुछ नई चीजें भी देखे जाएगा, तो हमें भी इस महामारी को इस रूप में देखें। अगर आप देखिए हमारी संस्कृति में महामारियों को या जो फैली उनको माता और ये हमने कहा है ना, कोई फला माता शीतला माता ऐसे माता क्यों कहा, क्योंकि हमने इनको शुभ लिया, हमने इनके शुभ को ग्रहण किया कि ये हमें और ज्यादा डीप सोचने के लिए मजबूर करती है, ये हमें अपने अंतरतम से और ज्यादा जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। तो आप अपने गहरे में जाएं, पहले अपने व्यवहार को जांचें कि मैं दिन में कितना पानी बचा सकता हूं, मेरा परिवार कितना कर सकता है, मेरे मोहल्ले में कितना पानी बच सकता है, चेन टू चेन करें। तो उससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी छत को हम साफ सुथरा रखें, अपने अपने वाटर जो टैंक है उनके अंदर, जैसे हमारे यहाँ कुंडियों की सफाई होती थी, जलाशयों की सफाई होती थी, तालाबों की सफाई होती थी, इन सबको आप स्वतः शुरू कर दीजिए, कौन मना कर रहा है, कहीं रोक टोक नहीं है। जब आपकी सुविधा हो तब करिए, कोई जरूरी नहीं कि हम एक साथ होकर करेंगे, जब जब हमें जिस जब भी समय मिलेगा, और अभी तकनीक का हमें ये उपयोग मिल रहा है तो उसका लाभ ये लें कि हम अपने विचारों को अधिकाधिक लोगों तक प्रसारित करें, प्रचारित करें, और पारदर्शिता समाज में लाएं, और सजगता लाएं, और संवेदनशीलता लाएं, और उसके माध्यम से व्यापक मनुष्य समुदाय के लिए, जैसे राजस्थान के इतिहास और संस्कृति ने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, वैसा उदाहरण फिर हम प्रस्तुत करेंगे। देखिए इस विकट घड़ी में हम जल के लिए ये कर पा रहे हैं, हम ये सोच पा रहे हैं, बजाय कि इसके कि हम उसका वो एक तरह से सरकारीकरण करके और उसके बारे में पंप एंड सो ज्यादा करें, वो नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर झांकना है कि हमसे कहाँ कहाँ चीजें छूट रही है। हमने अपने रसोई के बर्तन बदलने हैं इस दौरान, पहले जो बर्तन आते लोटड़ी अतिथि आगे आपने देखा, अक्षय तृतीया को आज भी उसकी पूजा करते हैं, नितिन जी अगर बीकानेर देखे आप लोग भी जानते हो, तो मिट्टी की इतनी सी उसकी ऊपर से होती थी, नीचे से पैदा होता था, तो अगर वो गिर भी जाती तो पानी बहुत कम डूलता था। आज आपका ग्लास अगर गिरता सीधा पानी बिखरता ही हो, बाल्टी गिरती सादा बिखरता है। तो हमें इन पे विचार करना चाहिए, मिट्टी इको फ्रेंडली भी है, आपकी हाइजीन से भी ठीक है, और आपके लिए स्वास्थ्यकर भी है, और उसका कॉस्ट भी कम आएगा, और एक समाज विशेष को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और आपके अपने पर्यावरण से जुड़ी मिट्टी आएगी तो वो आपके लिए लाभकारी भी साबित होगी। तो महामारियां हमें, आपदा हमें अवसर देती है, आपदा को इस रूप में मत लीजिए कि हम पर आवी हो जाएगी, इस रूप में लीजिए कि हमें इसको जीतते हुए, इस पर आगे बढ़ते हुए, इसके माध्यम से अपनी पारंपरिक प्रज्ञा में और निखार लाना है, अपनी सोच विचार और दृष्टि में और परिष्करण करना है, उसमें और संवर्धन करना है, और उसके साथ अच्छे भाव से, शुभ भाव से आगे बढ़ना है। जरूर जरूर सर, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, और जैसा कि हमारे प्रश्न जी ने बताया कि अभी कि हमें स्वयं सबसे पहले अपने स्तर से कार्य करना होगा, तो मैं इसी के साथ आज के हमारी इस फैसिनेटिंग और डिस्कशन चर्चा को विराम देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं शायद आई शुड बी फॉलोइंग इन माय ड्यूटीज इफ आई विल नॉट थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, लोकायन संस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मुग्धा मैम, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हमारी फॉर्मर श्रेया मैम, मैं इन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि बिना इतने अच्छे पैनलिस्ट के, इतने अच्छे वाइब्रेंट डिस्कशंस के, किसी भी इसी चर्चा का मोल नहीं रह जाता। तो ये चाहूंगा कि इस चर्चा के अंदर किस तरीके से ना केवल वाटर विजडम के बारे में, हमारे क्या क्या ऐसे मुख्य जल स्रोत थे जिनके द्वारा जल संग्रहण किया जाता था, किस तरीके से जीवन के समाज के प्रमुख अंग उनके निर्माण में सृजन में लगते थे, और क्या क्या किस तरीके से हमारी उस पारंपरिक प्रज्ञा के क्षरण और अभिवृद्धि के हमें प्रयास करने चाहिए। तो ये हमें हमारे स्पीकर से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, वी आर वेरी थैंकफुल टू कृष्णा, शी इज वेरी यंगेस्ट बट स्टिल शी नोज हाउ टू क्लब द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एंड ब्रिंग आउट द अवेयरनेस। मैं फिर चाहूंगा अपने नीरज जी का भी धन्यवाद देना। नीरज जी, जिस तरीके से आप जिस काम में लग रहे हैं, स्वाभाविक है कि आप अपनों को कईयों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, कि किस तरीके से बोस्टन जैसे रिसर्च एनालिस्ट के जॉब को छोड़कर आना और फिर भारत में और राजस्थान में आकर अपनी जड़ों को वापस उसीना, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमें अपनी जड़ों पर काम करने की जरूरत है। ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मंच के द्वारा आगे और भी हमें इस तरीके से चीजों से अवगत कराते रहे और अपने इस अभियान को जयपुर की सीमाओं से बाहर भी करें। बिफोर आई एंड अप, आई वुड लाइक टू थैंक द ऑल टेक्निकल टीम, पुनीत, सुप्रिया एंड द निकिता, नो डाउट दे वर्क वेरी हार्ड, और ये सारी चीजों को सोलनाइज करने का जो दायित्व तो आपने उठाया, ये वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। मैं गोपाल जी का और नवल का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि
किस तरीके से हम लोग सबके सब वास्तव में रियलिटी में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आपने हमारे चेतना के स्तर को बनाए रखने के अंदर जो योगदान दिया है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये अपने आप मीलों का मील का एक पत्थर साबित होगा और आने वाली जनरेशन इससे जरूर जरूर सीखेगी। मैं आपके इस सफल आयोजन की कामना करता हूँ और ये भी चाहेंगे कि अगली बार पुनः इससे भी अच्छा और भी बेहतर हम लोगों की इस ऑनलाइन मोड ना होकर एक ऑफलाइन भी हमारी चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद सभी दर्शकों का, बिना आपके हम लोग सफल नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।